समझदार केकड़ा। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में एक छोटा तालाब था। तालाब में विभिन्न प्रकार की मछलियां, कछुए और केकड़े थे। एक क्रूर बगुला भी वहीं रहता था। हर रोज बगुले को मछली खाने के विचार आते थे। एक दिन बगुले ने तालाब के सभी निवासियों को बुलाया। बगुले ने कहा, मित्रों, मैं आप सभी के लिए बहुत बुरा महसूस कर रहा हूँ। एक मछली ने कहा, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? तब बगुले ने जवाब दिया, यहाँ का पानी दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है। जल्द ही ये तालाब सूख जाएगा। आप सभी बहुत जल्दी मरने वाले हैं। यह सुनकर हर कोई चिंतित हो गया और वे रानी मछली के पास चले गए। मछलियों में से एक ने रानी को सब कुछ विस्तार से बताया। रानी मछली ने बगुले से मिलने का फैसला किया। अगले दिन बगुला और सभी मछलियां तालाब पर मिलने आए। बगुले ने कहा, चिंता मत करो, मुझे एक योजना मिली है। इस गांव में एक और तालाब है, मैं आप सभी को वहां ले जाऊंगा। सब लोग बहुत खुश हो गए। फिर बगुले ने एक मछली को अपनी चोंच में रखा और उड़ गया। बगुला मछली को सूखी जमीन पर ले गया। कुछ भी कहने से पहले बगुले ने मछली को खा लिया। अगले दिन बगुले ने एक और मछली को लिया और उड़ गया। उसने फिर वैसा ही किया और मछली को खा लिया। अगले दिन बगुले ने केकड़े को उठाया और उड़ गया। केकड़े ने सूखी भूमि पर मछलियों की हड्डियों को देखा और बगुले की चाल को समझ गया। केकड़े ने बगुले की गर्दन पकड़ ली और उसे मार डाला। फिर केकड़ा तालाब में लौट आया और बगुले की चाल के बारे में सबको बताया। वे दुखी थे क्योंकि उन्होंने अपने कुछ दोस्तों को खो दिया था, और खुश थे क्योंकि अन्य मछलियों की जान बुद्धिमान केकड़े की वजह से बच गई थी। नैतिक, मुश्किल समय में धीरज व बुद्धिमानी से कार्य करना चाहिए। बच्चों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे जरूर लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें। हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलें।